उपस्थित धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री सूत्रकृतांग सूत्र के सूत्रों के माध्यम से। आगे अन्य सूत्र में कहा है, जैवीय निगणे किसे चरे, जैवीय भुंजे मास मंतसो, जे इह मायाई मिज्जई आगंता गभ्भायणंतसो। कहा है कि भले ही नग्न रहें, मांस मांस का अनशन करें, शरीर को कृस एवं क्षीण कर डालें, किंतु जो अंदर से दंभ रखता है वह जन्म मरण के अनंत चक्र में भटकता ही रहता है। बड़ी सुंदर, बड़ी अच्छी बात कही है, चेतावनी का सूत्र है और ये साधु साध्वी श्रावक श्राविका सब पे लागू होता है, यहाँ तक कि एक आम व्यक्ति पे भी लागू होता है। कोई साधना करने की दृष्टि से बेसक कपड़े भी धारण ना करे, नग्न अवस्था में रहे, जैसे हमारे दिगंबर मुनि नग्न रहते हैं और वैदिक सनातन परंपरा में बहुत सारे नागे सन्यासी होते हैं जो कुंभ के मेले में मैदानों में नदियों के किनारे पर देखे जाते हैं। ये सभी त्यागी वैरागी सन्यासी हैं और इनके त्याग को एक श्रेष्ठ मानते कि हाँ भाई, इन्होंने वस्त्र भी धारण नहीं किया। लेकिन यह आगमकार चेतावनी देते गा, भले ही कोई नग्न रहे, मांस मांस अनशन करे, यानी चाहे वो मांस खमण करे, इससे ऊपर की तपस्या करे, एकांतर करे, कुछ भी क्यों ना करे, और शरीर को कमजोर कर ले, कृश कर ले, सुखा डाले, हड्डियां दिखने लग जाएं, किंतु इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद यदि उस साधक के अंदर दंभ है तो वह अभी जन्म मरण की परंपरा से मुक्त नहीं हो पाएगा। दंभ के दो अर्थ देखने में आते हैं, एक छल एक घमंड, एक छल एक घमंड। अब मान लो दुनिया भर का कठोर हमने कष्ट झेला साधना के लिए, लेकिन पीठ पीछे हम उसमें छल करें तो ये उचित नहीं है। अब मान लो कोई ये कहे कि भाई हम तो तपस्वी हैं और पीठ पीछे थोड़ा बहुत खा लेता हो तो छल है, दंभ है, और कोई अपने आप की श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए कहे भी हम तो गर्मी के सर्दी के परिसर को सहन करते हैं, पीठ पीछे उनका सेवन कर लें, तो बहुत तरह की बातें छल के अंतर्गत आ जाती हैं। छल का प्रयोग ना करें और दंभ अहंकार भी ना करें। मेरे जैसा त्याग, मेरी जैसी तपस्या, इस प्रकार की स्थिति भी मन में ना हो। और मैं देखता हूँ कि बहुत से त्यागी साधु साध्वी व्याख्यानों में उनके प्रवचन का विषय बन जाता है, हमारा त्याग श्रेष्ठ वो ऐसे, हमारा त्याग श्रेष्ठ वो ऐसे। आप अपने त्याग की महिमा को गालें लेकिन औरों पर कटाक्ष ना करें, इससे समाज में विभाजन पैदा होता है। समाज सब चारों आंखें खोल के देखता है, समाज के लोगों पर ज्ञान है, विवेक है, समझ है, बुद्धि है। तो इस तरह की चीज़ें कि दुनिया भर का त्याग करके यदि दंभ बना हुआ है, घमंड है या छल है, तो इससे आत्मा का कल्याण नहीं होगा। आत्मा जन्म मरण के चक्र में निरंतर पड़ा रहेगा, तो अनंत प्रवाह को पार करने के लिए दंभ का त्याग करना आवश्यक है। अगले सूत्र में कहा, पलियंतो मानुयान जीवियम, मनुष्यों का जीवन एक बहुत ही अल्प और शांत जीवन है। हमारे आपके सभी के जीवन को दो शब्दों में कह दिया, हमारा जीवन अल्प है और शांत है। अल्प का मतलब क्या है कि इसकी उम्र थोड़ी है। अब आप में से कोई व्यक्ति सोच सकता है 70-80-90 साल क्या कम होते हैं? कम तो नहीं होते, लेकिन जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा व्यक्ति आलस में, प्रमाद में, संसारिकता में, बाहर की दुनिया में, उसमें सोने में, खाने में, घूमने में व्यतीत कर देता है। तो धर्म करने के लिए समय ही कितना बचता है, और देखते देखते कल 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 करते करते सारा जीवन बीत जाता है। तो मनुष्य जीवन अल्प है और शांत है। एक होता है शांत, सह जमा अंत, शांत एक है शांत।
बिल्कुल शांत, लेकिन यह शांत नहीं, सह अंत, अंत सहित है। सभी लोगों के जीवन का एक दिन अंत होता है। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती त्यागी वैरागी संत सन्यासी आम साधारण व्यक्ति, हर व्यक्ति का इस भव का आयुष्क्रम पूरा हो जाता है और जीवन शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब बहुत सारे लोग यहाँ तो थोड़ा सा नॉर्दर्न इंडिया में देखने नहीं आता, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश में किसी के मृत्यु पर बोलते फला व्यक्ति शांत हो गए। अब शांत हो गए के दो अर्थ हैं, भी शांत हो गए, अब हलन चलन धड़कन वड़कन गई, शांत हो गए। एक शांत का मतलब उनका अंत हो गया है। तो हमारा जो जीवन है वो अल्प भी है और अंत सहित है, इसलिए उसको शांत कहा है। अगले सूत्र में कहा, सौणी जह पंसुंगुंडिया विहनीय घनसई सियम रयम एवं दवी ओ हाणवम कम्मम खवई तवस्सी माहाणे। कहा है, मुमुक्षु तपस्वी अपने कृत कर्मों का बहुत शीघ्र ही अपनयन कर देता है, जैसे कि पक्षी अपने परों को फड़फड़ाकर उन पर लगी हुई धूल के कणों को झाड़ देता है। आप देखते हैं कि बहुत तरह के पक्षी, धूल मिट्टी इधर उधर आना जाना उनका रहता है, जब धूल मिट्टी उन पर आ जाती है तो पक्षी फड़फड़ा करके सारी धूल को झाड़ देता है। ऐसे ही कहा है कि मुमुक्षु तपस्वी, मुमुक्षु कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की चाह रखने वाला, मोक्ष के बारे में निरंतर चिंतन मनन करने वाला और मोक्ष प्राप्त करने के लिए कुछ पुरुषार्थ करने वाला, कौन? तपस्वी। और तपस्वी का मतलब भूखा रहने वाला तपस्वी नहीं, भूखा रहना भी तप है, लेकिन हमारे जैन आगमों में 12 प्रकार के तप बतलाए हैं। हमारे यहाँ पर साधुओं के लेकर, साधु कौन है? तो क्या साधु तपस्वी होते हैं? अब बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं या सोच सकते हैं, फला महाराज से तो देखो जी एक भी उपवास नहीं होता, ठीक है भूखे नहीं रहते, स्वाध्याय कर लेते हैं, सेवा कर लेते हैं, प्रायश्चित करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, बहुत तरह की दूसरी तपस्या कर लेते हैं। तो तपस्वी साधु का अभिप्राय है 12 प्रकार के तपों में अधिकतम तपों की आराधना करने वाले। तो कहा, मुमुक्षु तपस्वी अपने कृत कर्मों का बहुत ही शीघ्र अपनयन, अपनयन यानी उनको अलग कर देते हैं, झाड़ देते हैं, उनसे हट जाते हैं, तो शीघ्र ही अपनयन कर देते हैं, जैसे पक्षी अपने परों को फड़फड़ाकर उन पर लगी हुई धूल को झाड़ देते हैं। एक सूत्र कह के अपनी बात को पूरा करूंगा, मोहम जंती नरा ए संवुडा, इंद्रियों के दास असंवृत मनुष्य हिता हित निर्णय के क्षणों में मोह मुग्ध हो जाते हैं। इंद्रियों के दास, दुनिया में बहुमत इंद्रियों के दास का ही मिलेगा, इंद्रियों से दूर हटने वाले तो अल्पमत में हैं, लेकिन अल्पमत में होते बहुमत पर शासन करते हैं। तो कहा है, इंद्रियों के दास असंवृत मनुष्य, कि जो अपने आप के जीवन में असंवृत मनुष्य, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर अभी कोई नियम नहीं, पचखान नहीं, मर्यादा नहीं, व्रत नहीं, उपव्रत नहीं, कुछ भी नहीं लेते, वो असंवृत हैं, और ऐसे मनुष्य हिता हित के निर्णय के क्षणों में मोह मुग्ध हो जाते हैं। अब देखिए, कुछ लोग अपनी जिंदगी में ऐसे, महिला पुरुष दोनों देखने में आते हैं कि मैं दीक्षा तो ले लूं लेकिन मेरे माँ बाप बहुत दुखी हो जाएंगे, मैं दीक्षा तो ले लूं क्या करूं मेरी शादी हो गई है। अनेक प्रकार के दीक्षा के बारे में ऐसे ख्याल करने वाले लोग, उन क्षणों में उनको संसार का आकर्षण अपनी ओर खींचता है और वो कई तरह की स्थितियों से गुजरते हुए अंततः संन्यास नहीं ले पाते। मैं तब तो कर लूँ, घर में अकेला हूँ, काम धंधा मुझे ही देखना होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, तप करना चाहते हैं, माँ ने रोक दिया,
पिता ने रोक दिया, पत्नी ने रोक दिया, बच्चों ने रोक दिया, नहीं नहीं आपको तपस्या नहीं करनी, पहले आप बहुत कमजोर हो और तबीयत खराब हो जाएगी, अनेक तरह की चीजें। हालांकि यहाँ उपदेश देते समय मेरा भाव ये नहीं है कि कोई बीमार व्यक्ति है, डॉक्टरों ने चेतावनी तो फिर भी हठयोगी बने, लेकिन स्वस्थ व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ, वो तप करने कई बार मोह आड़े आ जाता है, नहीं कर पाते। कई तरह के नियम पचखान त्याग करने में भी मोह आड़े आ जाता है और व्यक्ति उस मोह की वजह से उन उन चीज़ों का पदार्थों का त्याग नहीं कर पाता। कभी भाई आगे आ जाता है, कभी माता पिता आगे आ जाते हैं, कभी पत्नी और बच्चे आगे आ जाते हैं। तो ऐसे में व्यक्ति त्याग करना चाहता है लेकिन त्याग नहीं कर पाता, उसके जीवन में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मैं पिछले 2-3 दिनों से बैठे बैठे दिल्ली त्रिनगर में अनेक वर्षों तक स्थानापति के रूप में विराजमान रहे तपस्वी रोशनलाल जी महाराज, उनके जीवनी पढ़ रहा था। कुछ बातें पहले भी सुन रखी थी, कुछ बातें ज्ञात नहीं थी। आपके पंजाब में इनका जन्म फरीदकोट जिले में फेरू शहर के अंदर हुआ था और बाद में पाकिस्तान में लाहौर के पास एक जगह जाकर के परिवार रहने लग गया था। लाहौर में इन्होंने ग्रेजुएशन करी और फिर व्यापार के लिए बम्बई गए। बम्बई गए, घर में ये 7 भाई थे, 3 बहनें थी। उस जमाने में ऐसी ही स्थिति रहा करती थी, तो ठीक ठाक परिवार था। कपड़े के व्यापार के लिए बम्बई भेजा गया, बम्बई व्यापार के लिए गए, लेकिन वहाँ जैन स्थानक में विराजमान एक तपस्वी थे श्री मिश्री लाल जी महाराज। सत्याग्रही थे, जैन समाज की एकता के लिए उन्होंने कई बार बड़े बड़े अनशन किए। वो साफ कहते हैं, मेरी तपस्या नहीं है भाई, जैन समाज को इकट्ठा करने के लिए मेरा अनशन है, मैं सत्याग्रही हूँ और जैन समाज के उत्थान और एकता के लिए मैं अपने प्राणों का बलिदान भी कर दूं, तब करते करते मर भी जाऊं तो मुझे कोई खेद नहीं है। अर्थात वो सत्याग्रही थे, अपने उपवासों को वो तपस्या की श्रेणी में नहीं मानते थे और एक बार नहीं कई बार उन्होंने ऐसे अनशन करे। पत्री विवाद को लेकर के उन्होंने अनशन किया और श्रमण संघ बनने से पहले उनका आग्रह था कि जब सब सारे स्थानकवासी हैं तो अलग 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 क्यों, अलग अलग संप्रदाय क्यों। उसका परिणाम ये निकला, 1933 का सम्मेलन हुआ, फिर उन्होंने एक बार और अनशन किया, फिर 1952 का सम्मेलन हुआ। कहीं ना कहीं उनके अनशनों का भी प्रेशर था और जिसका परिणाम है कि श्रमण संघ बना। श्रमण संघ बनने का मतलब क्या है, मान लो भाई 50% समस्या का हल हो गया श्रमण संघ बनने से, लेकिन बहुत सारी संप्रदाय आज भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये आधा अधूरा काम क्यों है, जो हो गया सो अच्छा है, लेकिन इस प्रकार के प्रयत्न होने चाहिए। लेकिन यहाँ जो मैं कहना चाहता था, वो संत अकेले थे मिश्री लाल जी, लंबे लंबे अनशन करते थे, शिष्य कोई था नहीं, सेवा की कोई व्यवस्था नहीं, और जब वो समय निकाल के उनकी सेवा में जाते, उनके उठने में बैठने में चलने में सपोर्ट करते, तो वो कहते नहीं भाई तुम गृहस्थी हो और हम साधु लोग साधु की ही सेवा ले सकते हैं। तो रोशनलाल जी के मन में ख्याल आया कि जो साधु साधु की सेवा कर सकता है तो मैं घर गृहस्थी छोड़ करके इनका शिष्य बन करके इनकी सेवा करूँगा। घर वालों को पत्र लिखा और ऐसा वर्णन आता है कि रोशनलाल जी महाराज के संसार के माता पिता, जो मैंने बतलाया फरीदकोट जिले के थे, दोनों पक्के श्रावक श्राविका थे, लेकिन दीक्षा की आज्ञा देते समय मोह बहुत आड़े आया। लेकिन रोशनलाल जी ने अपने पिताजी से कह दिया, आप जबरदस्ती मुझे ग्रस्त में डाल भी देंगे, शादी भी कर देंगे, तो भी मैं वहाँ खुश नहीं रह पाऊंगा, मेरी असली खुशी इन्हीं चरणों में है और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। अंततः पिता ने सरेंडर किया, दीक्षा की आज्ञा दी। तो कई बार आपका किसी का भी मोहनीय कर्म बार बार बाधाएं डालता है धर्म करने में, तो इसलिए हम साधना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा अपनी चीज़ों को ठीक करने का प्रयत्न करें, अपने जीवन को अच्छी दिशा में बढ़ाने का हम लोग प्रयास करें। तो इस प्रकार आगे के सूत्रों की चर्चा आगे की जाएगी और इसी के साथ साथ